जो टॉप में आप सोचोगे कि टॉप की लड़कियां हैं वो यहाँ पर बैठे हैं। एक हुनर की बात है, एक एंटरप्रेन्योरशिप की बात है, एक आपको रिजल्ट देने की बात है, बिकॉज वेलनेस और हेल्थ इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, बट अगर आपका क्लाइंट खुश नहीं है आपसे तो आप कुछ नहीं कर सकते। और इस लड़की ने इतनी मेहनत करी है, 24 घंटे में से 27 घंटे काम किया है, बट अपना जान लगा दी, पैसे लगा दिए, दिल लगा दिया, अपने आप को घिस दिया इस चीज के पीछे। आज मतलब आज के लिए दुआ नहीं है मेरे लिए कि आज इनॉग्रेशन है या आज का पहला दिन है, रोज मेरी दुआ में इसके लिए दुआ निकलेगी कि भाई ये लड़की उतना कमाए जितना मैं नहीं कमा सकी, ये लड़की उतना आगे जाए, इतना नाम रोशन करे। क्लिनिक की बात करें तो किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है ऐसे क्लिनिक चलाने के लिए, और क्या क्या आप लोग ये करते हैं? सी बेसिकली क्लिनिकल ट्रीटमेंट्स हैं, तो आप अगर कोई भी पेपर खोल के देखते हैं तो अगर वो 40 पेज का पेपर है तो उसमें आपको 40 बिफोर आफ्टर की फोटो दिख जाएगी। ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि सब मशीन से है, तो मशीन में फर्क आता ही है क्योंकि आप उसको लेके एक कांच को घस लो या एक इंसान का स्किन घस दो तो मशीन को नहीं पता, बट आपके हाथ में होना चाहिए कि आपको उसको कितना यूज़ करना है। तो प्रॉब्लम ऐसा सच नहीं है इसमें, बट एक क्लाइंट का भरोसा होता है, एक क्लाइंट की आपके ऊपर एक ट्रस्ट है कि आपने बोला एज अ डॉक्टर कि भाई ये चीज़ होएगी, तो उसको भरोसा आता है कि भाई होएगी। तो उस चीज़ के लिए आपको उस चीज़ को सीखना बहुत ज़रूरी है। लोग कोर्स में पैसा डाल देते हैं कि हाँ सर्टिफिकेट टांग लिया अब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगी, बट इस लड़की ने खुद सीखा, खुद घसा, खुद किया, खुद पे किया, तो अब आप सोचो कि क्लाइंट का हर एंगल उसने कवर किया है, तो जो क्लाइंट को एक्सपेक्टेशन है आपसे, जो आपको रिजल्ट देना है, उसी में खुशी है ना। उसका सबसे बड़ा फोटो यही है कि वो उस चीज़ में ही इतनी अच्छी है, उस चीज़ को ही वो अपना USP बनाई हुई है, उस चीज़ में ही वो दिल से शिद्दत से उस चीज़ को मानती है, तो आपका क्लाइंट खुशी है।